तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं राहुल चौहान, आप देख रहे हैं आरएस टेक्निकल गुरु। आज की वीडियो का टॉपिक, फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और वीडियो के टाइटल में भी देख लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है और सच न्यूज़ है कि कुछ लोगों के आधार यूसीएल के जो एप्लीकेशन हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न है, हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप पूरा फुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी काम का होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ले चलते हैं आपको मेल, जो रिजेक्ट का मेल लोगों के पास जिस टाइप से मेल आ रहे हैं उस मेल को हम आपको दिखा देते हैं। आप भी अपना मेल चेक करके ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से आपके पास भी मेल आ सकता है। क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर आपने किसी ऑपरेटर के सर्टिफिकेट से आवेदन किया हुआ है, अगर आपने ऑपरेटर सर्टिफिकेट से आधार यूसीएल के लिए अप्लाई किया है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में आप अपना जो मेल आईडी आपने यूसीएल रजिस्ट्रेशन में दिया था उसको एक बार ओपन करके ज़रूर से देख लीजिएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, आपके पास ऐसा कोई मेल तो नहीं आया है, तो आप ये ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है तो आप दोबारा से एनसीईआरटी का एग्ज़ाम दे करके और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं और दोबारा से जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही ये यूसीएल का सेंटर मिलेगा फ्रेंड्स। तो जल्दी करें, बिल्कुल भी लेट ना हो इसमें, ठीक है। तो ये मेल आप देख लीजिएगा, ये मेल इस टाइप से काफ़ी लोगों के पास मेल आ रहे हैं जिन लोगों ने ऑपरेटर सर्टिफिकेट से आधार यूसीएल के लिए एप्लीकेशन किया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ यूसीएल एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ठीक है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू सबमिट ऑपरेटर सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सबमिट ऑपरेटर सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। जबकि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर ही हम लोगों को बताया गया था यूसीएल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कि यहाँ पर ओनली सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट ही मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट देना था, बट कुछ लोगों ने ट्राई करने के लिए ऑपरेटर सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो ऑपरेटर सर्टिफिकेट वाले जो यूसीएल के एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आप अपना मेल आईडी ओपन करके ज़रूर से देख लीजिएगा, अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो अपना आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट बनवा करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्मड यू हैव टू प्रोवाइड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, बताया गया है कृपया करके अपना सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आप दे दीजिएगा, जिससे कि आपका यूसीएल एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जा सके, ठीक है। तो इस मेल को आप ज़रूर से चेक कर लें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी मुझे आप लोगों को देने के लिए, तो इस वजह से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देना सही समझा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही बताना था आपको, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।